ज्यादा अहम चीजों को पहले सीखना। इसे अरबिक में कहते हैं अल अहम फल मुहिम, सबसे अहम चीज पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले सीखना, सबसे अहम चीज सबसे पहले क्यों सीखे? क्यों, क्यों आप लोग बताइए। सबसे अहम चीज पहले आएगी जिंदगी में, ओके। आपकी बात में एक बात बहुत प्यारी दिख रही है। ये जो आपने जिंदगी लफ्ज इस्तेमाल किया ना, इब्न जौजी रहमहुल्ला उन्होंने अपनी किताब तलबी से इब्लीस, इब्लीस कैसे धोखा देता है, ये पूरी किताब उन्होंने लिखी। तो उसमें एक सेक्शन है जहां पर अहलुल लुगा और अदब वालों को उन्होंने बताया है कि इब्लीस ने कैसे धोखा दिया। तो उसके अंदर उन्होंने एक बात कही है, इतनी प्यारी बात कही है। वो कहते हैं वलो इत्तसाल उम्र लिमारिफतिल कुल काना हसन, अगर जिंदगी इतनी लंबी होती कि सब कुछ सीख सकते थे तो अच्छा था। वलाकिन अल उम्र करील, लेकिन जिंदगी कसीर, छोटी है। फयम बगी ईसारुल अहम वल अफजल, इसी वजह से ज्यादा अहमियत और ज्यादा फजीलत वाली चीजों को तरजीह देनी पड़ेगी। क्या देख कह रहे हैं वो, जिंदगी इतनी लंबी होती, करोड़ साल तक जीने वाले हैं, 1,00,000 साल, 50,00,000 साल तक जीने वाले हैं, तो सब कुछ सीख लो भाई। ये ना सब कुछ सीखोगे तो भी 50 साल में सीख लोगे, 200 साल में सीख लोगे, बाकी साल जिंदगी तो है ही, लेकिन जिंदगी है छोटी। तो वो कहते हैं कि इसी वजह से अल अहम वल अफजल, ज्यादा अहमियत वाले और ज्यादा फजीलत वाली चीजें पहली सीख लीजिए। हाँ, तो हम देखते हैं कि अल अहम फल मुहिम। उसी तरह एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है अबू इसहाक अल हुवैनी का। वो कहते हैं फअव्वलु दरजत ज़का, समझदारी का सबसे पहला दर्जा यह है अन्न तौलिब अल इल्म यब्दाउ बिल अहम वल मुहिम, कि कोई तौलिब इल्म सबसे अहम चीज पहले सीखे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। समझदारी की बात है, कॉमन सेंस है। ये कोई समझाने के लिए बहुत बड़ी दलील की जरूरत नहीं है कि भाई जिंदगी थोड़ी है, टाइम थोड़ा है, सबसे अहम चीज सबसे पहले, क्योंकि पता नहीं कब खत्म हो जाए जिंदगी। तो मुझे बताओ मेरे भाइयों बहने, सबसे अहम दीनी तालीमात में कौन सा मौजू है? तौहीद का मौजू। कौन सा गुना अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा? शिर्क का गुना। उसी तरह अकीदे के ताल्लुक से बातें, मनहज के ताल्लुक से, मेथोडोलॉजी, यानी एक होता है फॉर्मूला, सही फॉर्मूला सीख लो तो वो फॉर्मूला कई जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो ये है चौथी गलती जो लोग करते हैं कि अल अहम फल मुहिम के कायदे को नहीं फॉलो करते। मिसाल के तौर पर आपको कोई तालिबे इल्म मिलेगा, बोले मेरे अंदर बहुत इल्म हासिल करने का जज्बा आया तो मैं बाइबल खोल के पढ़ने लगा, वेदास पढ़ने लगा, श्लोक याद करने लगा। हालांकि सबसे पहले इन खैर अल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बयान अल्लाह की किताब है। तो सबसे पहले क्या सीखना चाहिए था? वो सीखना चाहिए था। उसी तरह कुछ लोग हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड मसाइल पहले सीखने लगते हैं, पहले अकीदा, पहले तौहीद तो सीखो। बहुत से लोग हैं सर्टन फजाइल, सर्टन चीजें, कुछ खसूसियात, कुछ लोग नंबर्स के माहिरीन होते हैं, ये नंबर पहले, ये नंबर का ये मतलब होता है। हालांकि ऐसे नंबर्स के मतलब कुरान और हदीस में नहीं मिलता। तो हम देखते हैं कि साबितशुदा चीजें पहले सीखो। हाँ, जो कन्फर्म बात है वो सीखो, गलत गलत बातें तो ऐसे भी नहीं बचना सीखना चाहिए, उस पर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों मेरी बहने, यहां पर ये है चौथी खाई जिसके ना लोग गिर जाते हैं, वो है कि अल अहम फल मुहिम के कायदे को नहीं फॉलो करते। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين